लहरों को समझने के लिए ये बिल्कुल वाहिद मॉडल है। इसके लिए आपको बहुत सारे स्ट्रॉ और थोड़ा सा टेप दरकार होगा। एक 3 मीटर लंबा टेप लें और इसे फर्श पर बिछा दें, जिससे कि चिपचिपा हिस्सा ऊपरी तरफ हो। फिर स्ट्रॉ के बिल्कुल दरमियान में निशान लगाएं और हर 2 सम की दूरी पर स्ट्रॉ चस्पा करते जाएं। इस तरह से तकरीबन 80 या 90 स्ट्रॉ चस्पा करें। तमाम स्ट्रॉ के दरमियानी दूरी मसावी हो, यानी 2 सम की हो, और इन स्ट्रॉ को चस्पा करने के बाद टेप को वापस लें। टेप डबल करें। इस मरतबा टेप का चिपचिपा हिस्सा नीचे की तरफ होगा। बड़े ध्यान से स्ट्रॉ को बराबर बराबर चस्पा करते जाएं। और फिर थोड़ा सा टेप पकड़ने के लिए छोड़कर काट लें। अब आपका स्ट्रॉ का लहरों वाला मॉडल लगभग मुकम्मल हो गया है। आप इस पूरे मॉडल को यहाँ देख सकते हैं। इसे एक लड़की ने पकड़ रखा है। एक दोस्त से एक सिरा पकड़ने के लिए कहें और एक सिमत थोड़ा सा जर्ब दें तो आपको नज़र आएगा इसका रद्दअमल हासिल होगा। यहाँ से जाएगा, वहाँ से आएगा। अगर आप थोड़ा ढीला छोड़ेंगे तो रफ्तार थोड़ी धीमी होगी। इसे मजबूती से पकड़ेंगे तो रफ्तार तेज होगी। आप चाहें तो दोनों तरफ से मोड़ सकते हैं तो आपको इसमें एक लहर की तरह नजर आएगा। इसमें अगर आप एक जर्ब दें तो रद्दे अमल हासिल होगा, जैसे तवानाई का रद्दे अमल हो रहा है।